नमस्कार दर्शकबिन, अपने सबके बहुत बहुत स्वागत है आज कार्यक्रम में। हम छी अहाँ सबके संगी बृजेंद्र कुमार। अखन देख रहल छी एम स्टार टेलीविजन के प्रसारित कार्यक्रम स्टार सवाल। तेना आज कार्यक्रम में हमरा सहक जे अतिथि छथि जे नरहा गाँव पालिका के पालिका अध्यक्ष राम प्रमोद यादव जी छथि। प्रमोद जी, अपने के बहुत बहुत स्वागत है आज कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। कहू जाड़क मास में की कोना छे, अपने के दिनचर्या कोना बीते अखन? अब जाड़ा के मास में तो देखते छे, प्रकृति के दिन में एकदम चीसो बढ़ गेले मधेश में पूरा, कोई के लागे ठीके है। अब जाड़ो है तैयो भी सब जनता के देख रहल छे, एकदम जते जलावन है चौक चौक में जलावन, गांव गांव में जलावन, जरना दे रहल छे दौरा सब। और आई हम के कमरों वितरण दूटा वार्ड में कर रहा छी, दू नंबर और पांच नंबर। दू नंबर और पांच नंबर में और विपद व्यवस्थापन के परसू वितरण भेले अहाँ के आयल रहे जिला प्रशासन से, सी डी ओ साहब, एस पी साहब और कर साहब, सब कोई मिल के हम अपनो उपस्थित भ के ओहन वितरण के लिए। और चारों नंबर वार्ड में वितरण हेतु से आब गए कमर ओत जनता के लागे अखन वितरण हम दलित के और विपन्न आ गरीब के लागी कमर वितरण कर के लगभग लगभग 1000 के ऑर्डर दे देने छे गाँव पालिका भरी में। और घटते तो पछात थप कर जे नागरिक सबके सो वितरण करबे, जे नागरिक के केहन मतलब रखने छे, केहन वर्ग सबके देबे आधार की, जेकरा सबके जमीन सब छे मतलब 2 बीघा 4 बीघा आधार, तो उनका सबके घरों सब छे नीक जगह छे, बाल बच्चा सब नीक जगह पालन पोषण करे छे, उनको सबके वितरण करे छे कि कोना आधार छे? अब अखन हम गांव पालिका तरफ से कौन ज्येष्ठ नागरिक के पौर साल चैत महीना में पनुका गांव पालिका अध्यक्ष जी सम्मान केने रहे ज्येष्ठ नागरिक के, अखन हम ज्येष्ठ नागरिक के नहीं करबे। जे अई बेर बढ़ल है ज्येष्ठ नागरिक जे भत्ता का है ओकरा हम मात्र देबे, और गरीब दलित के पूर्ण के देबे, संपूर्ण दलित के और विपन्न गरीब से अन्य जाति है उनको हम विपन्न प्लस कुछ यादवों जाति में यहाँ विभिन्न जाति में संपूर्ण जाति के विपन्न गरीब के हमर सोच है बने छे निर्णय केने छे। रह गेले 4 नंबर वार्ड अध्यक्ष, उन ज्येष्ठ नागरिक के द रहल है, उ निर्णय केने छथिन तो उनको सम्मान है, वो वितरण करथिन, वो वार्ड से बजट रखने छथिन अपन। और अपने के वाड़ा में जमे जमा वार्ड कते भ जाय छे अपने नरहा गांव पालिका? 5टा वार्ड, 5टा वार्ड छे, दुटा में मात्र अखन वितरण कर रहल छे, दुटा में आय कर रहल छे, फेन आय रहल 1000 के ऑर्डर देने छे, 300 हमरा ले ले 150, अब में पूरा नहीं भेले, अब फेन लौट एते तो फेन पुनः हम कल हेते चाहे परसू बटबे। जना अपने सबके जे कते नरहा गांव पालिका में जमा दलित समुदाय सबके की अवस्था देखल गेलै है? जना के ज्यादा ठाड़ से उनका सबके कते गोटा सब काम काज सब सेहो छोड़ के अपना घर में बैसल हेतै, तो उनका सबके खाय के लेल सेहो समस्या भ रहल हेतै सर? अखन तो अब खाना के लागी तो ओहन समस्या नहीं है, नहीं है दलित बस्ती में रह गेले छले या तो ठाँव ठाँव में हम दौरा वितरण के लिए दलित बस्ती और में कमती में, अब घर घर तो नहीं दिया सकते सुनो, ते दुआरे दौड़ो ओते उपलब्ध नहीं भ रहल है, ते दुआरे दौरा उपलब्ध क के ठाँव में चौक में पुगेलिए। रह गए खाना के कहबे तो अब तो दलित और के एकदम सक्षम भ गेल है, आ ओहन खाना के तो नहीं हेती रोटी। रह गए कपड़ा में जना ब्लैंकेट मुकम्मर के विषय है, तो वो हम अपने सोचने छे पहिने दलित पूर्ण दलित के एको घर नहीं छोड़ के ओकरा पहिने पूरा करबे तब सब तो पांच वार्ड जी। अदक जी, अपांग समुदाय के छै कि नहीं अपने के वडा अथी पालिका में, गांव पालिका में छै अपांग के? अपांग सब के सेहो वितरण कर, अपांग तो वही में चलबे भत्ते वाला में, भत्ते वाला में अपांग हो जाय, अपांग चलबे ने जते अपांग छथिन तो भत्ता में अबे तो भत्ता में तू पकड़ा ले ओकरो समटने छी हम, आगामी देने है चैत में ओढ़नहु नहीं छै, आगामी के बजट पूर्व अध्यक्ष पनुका रखने रहे, वो वितरण संपूर्ण के केने है, जते सुरक्षा भत्ता खाए अपन भत्ता खाए, अपांग होय एकल महिला होय सामाजिक सुरक्षा भत्ता खाए वाला होय, दलित में जे 70 वर्ष 60 वर्ष सबके देने छथिन, जे बाकी है जे नहीं पौने है उनका हम सम्मान कर रहल छी जी। अध्यक्ष जी, अपने के चुनाव जीतला 8 महीना भ गेले, अखन धरि तक की काज सब के केने छै, जनता जानना चाहिए कार्यक्रम के माध्यम से? हम 8 महीना एला में सबसे पहिने अ कार्यालय में एना का कर्मचारी सब नहीं बैठ रहल छले, हम जीतबो के लिए बहुत दिन हम देने रही, हमरा ल जीत के जुलूस दिन हमरा ल
अहाँके टीवी में आयल रहे इंटरव्यू लेल, अहाँ की करबै? तऽ सबसे पहिने एक नंबर में हम कहने रहिए कर्मचारी के प्रशासन के जे है नियम ओहि अनुसार लोबे। अखन नरहा गाँव पालिका में पूर्ण हम प्रशासन अखन टाइम पर 4 बजे से 10 बजे से 4 बजे तक एकदम टाइमली अबे है, एकदम सिस्टम से कर्मचारी अबे। आइ गाँव पालिका में अखन सकब एलिए एना नहीं छे, बाउंड्री हम ही करबेलिए रह गए। हम अहाँके करार के कार्यविधि पास के लिए अहाँके कथी कहे शिक्षा में हम एलिए तो 4 चोटी अखन तक बैठक कर दिल। सुनू, सब 13 टा स्कूल पढ़े सबके हेडमास्टर रह के हम अहाँके 4 चोटी स्वास्थ्य के 4 चोटी बैठक करके शिक्षा केना सुधरते तहू के छलफल भ गेल, ओहू विषय में हम अगाड़ी बढ़ा देने छे। रह गेले कुछ अहाँके बजट जना है विनियोजन के लिए तो ओकरो हम कार्य आदेश दे देने छी सबके काम कर। कुछ चुनाव के कारण से काम कनी ढिलाई भेले रह गेले, हमरा कर्मचारी करार के हटा देने छलिए ओहो पद पूर्ति के लागी कुछ इंटरव्यू और लॉ लेने छे। बहुत जल्दी यह 10-15 दिन में हम पूर्ति कर देबे। अध्यक्ष जी, अपने के नरहा गाँव पालिका में शिक्षा के कोनो तरह के समस्या नहीं देखल गेलिए अपने हिसाब से? शिक्षा के समस्या तो छे नहीं छे से कहला से तो नहीं हेतै, कोनो समस्या छे रह गेले ओकरा सुधार में लाग गेल छे, सुधार के मौका भ रहल है लेकिन बहुत जल्दी शिक्षा सुधरतै। हम चारू चोटी संपूर्ण हम प्रयोग के कह चुकलिए, हमर बीनी छे साखो के हम आदेश कह चुकलिए केना के शिक्षा समिति और तो हम बना चुकलिए, अनुगमन समिति बना दिलिए। आब एकदम चेको भ रहल है, 2-4 टा 5 टा स्कूल में विद्यालय व्यवस्थापन समिति नहीं छले, हम ओकरा खाजा रोक दिलिए। आई माध्यम एक दिन हमरा में देखना हुए यहाँ सब छिपा पिटल के विद्यालय व्यवस्थापन नमूना विद्यालय के बच्चा में छिपा पिटल के उनका हम फोन के लिए नियम है विद्यालय व्यवस्थापन समिति नहीं रहते तो वही खाजा आमा समूह बना कर हेतु वही के रोकला के कारण से हमरा उपलब्धि की भेले जे आई 5-7 साल से जै दिन से गाँव पालिका भेले वही दिन से विद्यालय व्यवस्थापन समिति नहीं छले जे स्कूल में थे। 4 टा में हम सफल भ चुकली, 1 टा में तो हम चुनाव 15 अगस्त देख के काल्हे प्रमाण पत्र वितरण के लिए जे नमूना श्री जनता बनवाली नमूना प्रावधिक विद्यालय बरछवा में छले उनको सफल भेले और 4 टा में 1 टा में दोसर बैठक हेतु सब स्कूल अखन हमरा विद्यालय व्यवस्थापन समिति है सब में आप हम मांग से खाजा चालू कर देवे प्रक्रिया कानून अनुसार रह गए। उ छिपो पिटल के उनको हम कहने रहिए से अपने ये नहीं करूँ अहाँ हम चुनाव हटले आ 7 गते हम आह्वान कर दिलिए से भरि मनसिर में विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन करूँ आ अपन खाजा सब कोई ले जाऊँ। रह गए कुछ हेड सर और कुछ युवा संजाल सब छिपो पिटल के ओहू के लागे हम दुखित भेली। हम उनका फोन केने रहिए हम रे चिढ़ा आगे चुनाव के घड़ी में सिरा में मतगणना हो ते बीच में ये आब के कुछ आब आगा पछा के रहे तहुला उनका और के हम ओते नहीं खेली। रह गए नियम अनुसार हम उनका खोजो नहीं रोकने छे, प्रक्रिया अनुसार तो जाए पड़ते जे स्कूल में नहीं रहे समिति ते स्कूल में हम नहीं चलने। ते दुआरे 5 टा में 4 टा बन गए आ उ रोकला से हमरा समितियों बन गए, हम धन्यवादो दिए चाहे स्कूलों और में फ्रेश भेली। विद्यालय व्यवस्थान 5 साल दरमियान क्यों ना आर्थिक वर्ष में छीते नहीं चले, एक कार्यकाल में गाँव पालिका पूर्ण अध्यक्ष चले एकोटा में नहीं चले लेकिन हम सब में समिति बना चुकली, 1 टा बाकी है ओहू में दोसर बैठक हेतु तो संभावना है 1 टा में चुनाव करब पड़े 4 टा में सर्वसम्मति से भले 4 टा में सर्वसम्मति से 3 टा में 1 टा बाकी जी। अखन मतलब बात करी तो शिक्षा में अपने के नरहा गाँव पालिका में कोनो तरह के मतलब समस्या अखन तक देर तक नहीं छे? समस्या तो नहीं, समस्या नहीं छे तो केहन किस्म के समस्या तो नहीं छे लेकिन समस्या के एकटा कथी है शिक्षा के एक नंबर सुधार में हम केलिए ने तो हमरा एगो कथी भेले सब जसे रिजल्ट एलै कथी बैठक 4 चोटी बजे एगो उपलब्धि एलै कि आब अखन शिक्षा के एहन आ गाँव पालिका के में कनी के फर्क भ रहल है। समस्या कतौ फर्क भ रहल है 20-20 साल से एकटा टीचर प्रय भ के हुए एक नंबर मुद्दा में शिक्षा नहीं सुधर के कारण नहीं होता तो हमर सोच है गाँव पालिका भरि में कुछ चेंज करबे पद के मर्यादा क के आ गाँव पालिका भरी में हम चेंज कर के कार्यविधि बन रहा शिक्षा समिति से निर्णय करके कार्यपालिका से निर्णय करके ठौसारी करबे और एक नंबर में शिक्षा में हम कहने छे शिक्षा में हमरा जे करे पड़ते केना के
जना सामुदायिक विद्यालय संस्थागत विद्यालय अनुसार बोर्डिंग स्कूल जका पढ़ाई हेतु वही अनुसार प्रमोशनो देव हम सबके सेहो हम कह देने छी जी। ई काज अपने कहिया धरि तक करबे लगभग? ई तो हम बहुत या 15 गते तक में ई चेंज करे ले हम छी सोचने बन गेले मात्र निर्णय करे के है बाकी जी रह गेले हम तै दुआरे 15 गते तक संभावना है से करबे चेंज संभावना से कि पूर्ण रूप से सफल हो प्रक्रिया की है तब कुछ कानून एनओ के टेक अप पर है अब इकाई समिति सीढ़ा है ओकरो से विचार लेबे कतो ने कतो बोल जेबे छी हो बात त नहीं हम एकदम माइंड मेकअप में तैयारी में छिए ओहन त्रुटि नहीं हेते त पूर्ण कर देबे पंद्रह जी। शिक्षा के अवस्था की स्वास्थ्य की अवस्था की देखल गेली अपने के? स्वास्थ्य के अवस्था त ठीके छै स्वास्थ्य में त अहाँ के लगभग जौ के बिया छले उपज वितरण के लिए किसान के जे दर्द रह गेले किसान के एकदम सिंचाई में लगभग हम 2 करोड़ बजट बोर्डिंग जरान किसान के 10 लाख रुपया हम किसान के रखने छी बीऊ बीज में छी रखने नै गहूं भी भेले त धान के बीऊ हम उपलब्ध करके एकदम किसान के देबे 2 करोड़ रुपया अपने बोर्डिंग के लेने छी लेल केने छी क्या कोन कोन वार्ड में ई बोर्डिंग अपने अथी शुरू कर दे क्या था देखो आ के हमरा सशस्त्र अनुदान में 1 नंबर में 25 लाख है 2 नंबर में 25 लाख आयल है और विशेष अनुदान में हमरा 70 लाख गांव पापड़ी में तो हम संपूर्ण में ये बोर्डिंग जड़ान है थे जी बोर्डिंग मात्र जड़ान कर के बोर्डिंग जड़ान है थे मतलब पूर्ण रूप से छह ही है कि मतलब पूर्ण रूप से थे चलते चलते वो बोर्डिंग जड़ान नहीं थे बोर्डिंग जड़ान के मोटर दके एकदम सप्लाई थे पानी किसान के देते जी। ई जे बोर्डिंग वाला जे छै तखन बाद कोनो किसान के ने समस्या रहि जेतै? किसान त अब 1 नंबर त हमरा आके ये लेकिन सिंचाई के जरूरी है किसान त ऊपर के भर में सिंचाई भर तो हेबे करते रह गेले और प्रजनन बीऊ कहै छै कृषि में हम सोचने छै उन्नत जात के बीऊ उपलब्ध क के किसान के निमन से व्यवस्था होय अब चाहलिए लेकिन अब राष्ट्र लेवल के समस्या के की करबे हम जी उ समस्या सब ले गहूं भी हम ही ने बहुते गांव पालिका स्थानीय तो हमें नहीं भेटले सब अपने आप की जानकारी हेती अपने के पालिका में अखन देर तक जे नारा गांव पालिका में टोटल बजट कते के 42 करोड़ समथिंग विनियोजन के 42 करोड़ में की काज सब करे के अपने प्लान के नहीं है आगे लगभग संपूर्ण सेक्टर में है हम कृषियों के देखने छे शिक्षा के देखने छे स्वास्थ्य के देखने छे अहाँ के खेलकूद में देखने छे महिला बाल बालिका में देने छे और रह गेले रोडो ढलान है पूर्वाधार में मानो कृषि में लगानी है मानो खाने पानी लगानी है लगभग अहाँ के अनेक सेक्टर में है वो 42 करोड़ सशस्त्र तलबो सब वही में छे जना अपने के विशेष कह के अथी रोड ढलान सब दिशा सेहो करबे अपने सभी के नजर काले पत्री भ गेले जना ढलान एकदम है तो 60 लाख रुपया वार्ड नंबर 2 के कालो पत्र रखने है 3 करोड़ 25 लाख हम तो आरसीसी ढलान ठोसे काम रखने छी तेकर भाई का और कोन काज सब कर करके अपने अब जनाब आवश्यकता यानी कि हमरा अहाँ के पानी खाने पानी के लागी
जना 1.5 इंची के कल 2 इंची के कल कोनो जा 2 कट्ठा 4 कट्ठा सिंचाइयो होइ है ओथियो तहु में 50 लाख रकम छै विभिन्न सेक्टर में बजट है जना तालीम भेलै महिला बाल बालिका के अनेक किस्म के तालीमों के लगभग लगभग 50 लाख समथिंग बजट हम तालीमों में रखने छै युवा सब के तालीम महिला शिव सरबंदी तालीम साबुन अनेक है फैक्टर ओहि में लगभग लगभग 50 लाख तालीमों छै तालीम में कते अपने रखने छै 50 लाख समथिंग है 50 लाख सब सेक्टर सब सेक्टर में छै पत्रकारिता तालीम की साथियों अपने रखने छै कि केना पत्रकार में पत्रकारिता जे तालीम जे होय छै जे पत्रकार उत्पादन करी जे तै तरह के नरहा गौपालिका के सचेत करवा के लेल एकटा पत्रकारो बहुत बड़का भूमिका रहै छै अब वो कहबे तो ओते जानकारी नहीं भेलै हरबर में हम जीत लिए वो नहीं रखने छै लेकिन आगा भी रखबे राखा के अपेक्षा में पत्रकार उत्पादन से होकर सो होना जरूरी है जन चेतनो सुनो अनेक किसिम रख लिए जते तक है लेकिन पत्रकार होती नहीं रखबे लेकिन आगामी से रख देबे से हम अपेक्षा सबके कर देले चाहे छी और दोसर कथी है जन चेतनो संबंधी बहुते है वहां तब वो तो क्लियर नहीं है लगभग लगभग 50 लाख अपना अपने के पालिका में जातीय विभेद सब सही कि नहीं छुआछूत सब महिला हिंसा सब के एहन केस सब लगभग नहीं है सन बराबर है जातीय भेदभाव नहीं छे एम स्टार टेलीविजन के माध्यम से कहै छी छाती पहाड़ का हम सब ग्राउंड रिपोर्टिंग करा जाए अब हमरा अखन जाले तक हम अयन 8 महीना दरमियान में अखन तक ओहन त नहीं एले या अखन तक ओहन नहीं एले या तै दुआरे आ छाती पर हाथ कदी कबे हम त परिपक्व कर रहल छी कोनो प्रमाण लाओ त हम बात कर नहीं हम ई कहा चाली अपने के नारा जे गांव पालिका के एकटा पालिका अध्यक्ष छी अपने अपने के पालिका में जे जातीय विभेद सब के केस नहीं कहा चालो जातीय विभेद सब छुआछूत सब छुआछूत सब होय छै कि नहीं से कह नहीं होय छै हमरा गांव पालिका में पहिने तो से हम स्वयं आइ तक हमरा अखन तो पता लगा वहां हम कतौ खाइ छी हम एगो आदर समुदाय तो छीते छै लेकिन हम आइ तक अही आए नहीं आई गांव पालिका अध्यक्ष भेली नहीं हम 14 साल से राजनीति कर के आई गांव पालिका जे विद्यार्थी लाइफ छोड़ के अब राजनीति के लिए तो माई तक कतो भेदभाव लेकिन कोई केरबो करके दूर निम्न सुझाव लेकिन गांव पालिका में हमरा भेदभाव हटा दे नहीं नहीं सब नहीं छी के क्या छुआछूत के भेदभाव नहीं पूर्ण रूप से नहीं छी पूर्ण रूप से नहीं छाती बहादुर कह छी क्या त हम जाब ग्राउंड रिपोर्टिंग एकदम आ पता लगाओ कौन भेदे भाव नहीं जी अध्यक्ष जी अपने के पालिका में कोनो तरह के समस्या नहीं रह गेलै मुदा अपने के जे तरह के जे भवन दिख रहल छै यहाँ के वो नया बन रहल छै पुरान छै भाड़ा में छै कोना ये वार्ड के छै ये वार्ड पहिने गांव पालिका संचालित छलै हम एलिए तो ऊपर में एलिए यन दुतला में रह गेल हम बहुत जल्दी यहाँ के 10-15 गते के भीतर में वो लवका बिल्डिंग में हम चल जेबे नया बिल्डिंग में चल जेबे जी नया बिल्डिंग अखन कते के बजट में बन रहल छै अध्यक्ष जी 5 करोड़ समथिंग है 5 करोड़ समथिंग में छे वही में पूरा पेंटिंग सब र पूरा फाइनल काम छे वही में पूरे पूरे फाइनल छे 5 करोड़ में छे अंत में संपूर्ण दर्शक सब कार्यक्रम सब देख रहल छे अध्यक्ष जी की संदेश देवा चाहबे अपने सबसे पहले हम सब पूर्ण गांव पालिका वासी के नमस्कार करे ले जाय छे जी हम अई टेलीविजन से हम संपूर्ण नरहा गांव पालिका संपूर्ण जनता में हम ई कह चाहे छे आय हमरा 8 महीना ठीके भेले जे निर्वाचित केल की संपूर्ण जनता के ई अपेक्षा जे रखने हमरा प्रति वो एकदम पूरा हेते से हम संपूर्ण जनता के कहे ला चाहे छी और कुछ जे अखन 8 महीना के दरमियान में हम काम नहीं कर सकलिए कुछ कारण बेर बेर चुनाव भ गेले बीच में ना भ गेले रह गेले पूर्ण गति रूप में ल लेने छै जते भी काम है अपेक्षा है जना बजटो विनियोजन है वाड़ा के सब के हम 15 गते भीतर में काम करे ले उपभोक्ता समिति से करूँ चाहे टेंडर से करूँ चाहे कोटेशन से करूँ सब के आह्वान कर देने चाहिए द्रुत गति में हम जेठ 15 गते सम्म मात्र कार्य योजना सब संपन्न हेते वही के मात्र चेक करबे लेकिन पछाड़ी हम चेक नहीं करबे सेहो हम पूर्ण चिट्ठी काटि देने छी जानकारी द देने छी रह गेले निमन काम हेते से संपूर्ण जनता के विश्वास राखैत और विशेष सब दिन तक कहते छी और पुनः जते गांव पालिका के संपूर्ण जनता जे अपेक्षा रखने वही अपेक्षा अनुसार के काम करके देखेबे सेहो जनता सब में विश्वास दिले छी जी एम स्टार के प्रसारित कार्यक्रम स्टार सवाल से हम नरहा गांव पालिका के पालिका अध्यक्ष राम प्रबोध यादव संग कार्यक्रम से हम विदा हो छी वीरेंद्र कुमार नमस्कार संपूर्ण एमएसटीपी के दोनों को धन्यवाद है हमरा गांव पालिका में आके
इंटरव्यू दिली ते के लागी धन्यवाद और वेलकम हो एनाते अब जेबे जी पुनः याब सेहोस जी जी एगो निमंत्रण दैत जी और फिर इंटरव्यू में रही आबी आईएमएसटीपी के संपूर्ण परिवार के धन्यवाद दैत ल नमस्कार।